हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ जोशी और आप देख रहे हैं अपग्रेड इंडिया में आज हम 8.5 इंच एलसीडी राइटिंग टेबलेट के बारे में, इसका अनबॉक्सिंग करके इसका यूज कैसे रहता है ये बताने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी सहायता करनी होगी और वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की, ये वीडियो को लाइक करने की, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दिया है तो ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए। आपकी ये छोटी सी सहायता हमारे लिए बहुत बड़ी सहायता होने वाली है। तो चलिए दिखाते हैं 8.5 इंच एलसीडी राइटिंग टेबलेट में क्या आता है और कैसे ये वर्क करता है। तो जब हम छोटे थे, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि हम स्लेट यूज करते थे, तो ये जो है ये डिजिटल स्लेट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ये डिजिटल स्लेट है, बराबर है। मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या चीजें रहती है और क्या फंक्शन रहते हैं। 8.5 इंच का है ये, पहले मैंने बता दिया आपको। अभी प्रोडक्ट पैरामीटर्स में फ्लेक्सिबल एलईडी पैनल है, इसमें 10 से 20 ग्राम का वेट जो है ये लोड कर सकता है, एबीएस मटेरियल है और इसमें सेल लगता है वो है CR2025। ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो चीज है यहां पर सेल लगता है, ये स्क्रू खुल जाएगा और यहां पर सेल लग जाएगा, तो ये सेल से वर्क करता है। तो चलिए मैं दिखाता हूं कैसे है ये। यहां पर इसका एक पेन दिया है, पीछे से प्रेस करेंगे तो पेन निकलेगा बाहर, ये इस टाइप का पेन है और यहां पर हम कुछ भी राइटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। अभी यहां पर एक छोटा सा बटन दिया है, ये बटन को हमें क्या करना है, ऑन करना है, और ऑन करने के बाद यहां पर जैसे ही प्रेस करेंगे ये निकल जाएगा। एक और बार ट्राई करते हैं, ये देखिए ABCD, आई होप यू कैन सी इट, आप देख सकते हैं शायद, ये निकल गया। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है। ये आप देख सकते हैं बड़ा सा A, ये निकल गया। यहां पर करेंगे क्लिक तो पूरा वाइप आउट हो जाएगा, इतना आसान है और कुछ इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। जो स्लेट है उसका जो चौक है ये वगैरह चीजें बच्चों को बहुत बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ज्यादातर बच्चे खा जाते हैं, तो ये इसमें वो कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और इसमें अगर टेम्पररी कुछ राइट डाउन करना है तो उसके लिए भी एकदम बढ़िया है। वन मोर टाइम, ये आप देख सकते हैं ABC मैंने लिखा है शायद, वाइप आउट। बहुत सारे कस्टमर्स की ये डिमांड थी कि इसके ऊपर सर आप वीडियो बना के बता दीजिए कैसे वर्क करता है, क्या फंक्शन है, और इसके टेक्निकल पैरामीटर्स भी मैं आज आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। ये अप टू 40 अंश सेल्सियस और -5 अंश सेल्सियस तक वर्क कर सकता है, उसके बाद 40 अंश सेल्सियस के ऊपर अगर चला गया तो इसमें डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है, और -5 के नीचे चला गया तो भी इसमें डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है। आप इसको धो नहीं सकते, इसको पानी वानी में नहीं लगा सकते, पानी लगाएंगे तो ये खराब हो जाएगा, इसको खोल नहीं सकते आप, अगर खोलेंगे एक बार तो फिर ये ज्वाइंट किया तो शायद चलेगा नहीं चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप इसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक यूज करेंगे तो ये काफी ही लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट साबित होने वाली है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। 8.5 इंच, 10.5 इंच, 6.5 इंच वगैरह में ये स्लेट अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। वन मोर टाइम मैं दिखाता हूं, यहां पर ये पेन है, ये निकल जाएगा और ये पेन यहां पर ही वापस चला जाएगा। बहुत 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 यूजफुल आइटम है, ऑफिशियल यूज के लिए भी काम कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को भी काम आ सकता है। तो ये प्रोडक्ट आपको कैसी लगती है इसका एक कमेंट में छोटी सी कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ये वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। याद रखिए दोस्तों, मैं हूं पार्थ जोशी और आप देख रहे हैं अपग्रेड इंडिया। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।